चेयरमैन, उनके निदेशक बोर्ड के सदस्यगण और कुछ चुनिंदा पैक्स के सभी निदेशकगण, आप सभी का मैं हृदय से आज बहुत बहुत खुशियों से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले तो राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता। इस प्रकार के आयोजन न केवल एक दूसरे के साथ परिचय में वृद्धि करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज के लिए भी एक उपयोगी होते हैं और साथ में समग्र भारत के खुशी धीरान के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारिता कार्यकर्ताओं का एक कॉमन थ्रस्ट एरिया का निर्माण करने में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। इतने सारे बैंक, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही काम करें, परंतु उनके काम का थर्ड एरिया जिस चीज को लेकर आने वाले दशक में हमें आगे बढ़ना है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के व्याप को बढ़ाने के लिए और सहकारिता के माध्यम से कृषक, कृषि और देश तीनों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर वो हमारा थ्रस्ट एरिया कॉमन नहीं होता है तो परिणाम नहीं मिलते। मित्रों, लगभग 120 साल पुराना सहकारिता का हमारा आंदोलन बहुत सारी उपलब्धियां है, मैं मानता हूं हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि बहुत सारा गवाया भी। भारत के सहकारिता क्षेत्र के नक्शे को एक बार आंख मूंद कर अपने मानस पटल के सामने ला दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। और इसी प्रकार के सम्मेलनों के अंदर ही इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया। हालांकि सहकारिता एक ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट, परंतु समग्र देश के सहकारिता के चित्र को ध्यान में रखकर सहकारिता की भावना से राज्यों को साथ में लेकर भारत सरकार का सहकारिता विभाग काफी कुछ कर सकता है। मित्रों, आज यहां पर कृषि दिलान और मुख्यत्व शॉर्ट टर्म कृषि दिलान पर काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं, जो फसली ऋण, जिसको हमारी सरल भाषा में कहते हैं फसली ऋण देने वाली सारी इकाइयां, तीनों स्तर की बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों यहां पर उपलब्ध है। उस वक्त हमने हमारे कृषि विभाग के इस खाके को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होना चाहिए।